नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज थर्ड डे योगा क्लास में हम जिस योगासन से आज की शुरुआत करेंगे वो है सर्वांगासन। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं सर्वांगासन। इसे करने के लिए सबसे पहले मैट बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाकर 90 अंश तक लाएं। बाहों और कोहनियों की सहायता से शरीर के निचले भाग को इतना ऊपर ले जाएं कि वो कंधों पर सीधा खड़े हो जाएं। पीठ को हाथों का सहारा दें। हाथों के सहारे से पीठ को दबाएं। कंठ से ठुड्डी लगाकर यथाशक्ति कुछ देर इस अवस्था में रहें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये था सर्वांगासन। यह आसन थायराइड को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि की कमी और थकान आदि विकार इस आसन को करने से दूर होते हैं। आइए अब करते हैं आज का दूसरा आसन, जिसे सहज योग के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे करते हैं सहज योग। सहज योग करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं और अपने दोनों पांव के घुटनों को मोड़कर पैरों के तालुओं को आपस में मिलाएं और नमस्कार की मुद्रा में कुछ देर रुकें। ये है सहज योग। सहज योग करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है, साथ ही शरीर में होने वाली बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं। आज के हमारे इस दूसरे योगासन के बाद बारी आती है आज के तीसरे और आखिरी योगासन की, जिसे कि हम योग मुद्रासन कहते हैं। योग मुद्रासन करने के लिए जमीन पर पैर सामने फैलाकर बैठ जाएं। अब बाएं पैर को उठाकर दाएं जांघ पर इस तरह लगाएं कि बाएं पैर की एड़ी नाभि के नीचे आ जाए। दाएं पैर को उठाकर इस तरह लाएं कि बाएं पैर की एड़ी के साथ नाभि के नीचे मिल जाए। दोनों हाथ पीछे ले जाकर बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ें, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए नाक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं और कुछ क्षणों के बाद इस क्रिया को अपना हाथ और पैर बदलकर दोबारा करें। तो ये था योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के फायदों की बात करें तो इससे चेहरा सुंदर, स्वभाव विनम्र और मन एकाग्रचित होता है। उम्मीद करते हैं आज थर्ड डे की योगा क्लास में बताए गए योगासन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप इसके फायदे भी उठाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमने आज जो योगासन आपको बताए हैं उनमें से कुछ योगासन हम आपके सामने पहले भी ला चुके हैं और कुछ योगासन हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको उन योगासन के बारे में विस्तार से सारी जानकारी देंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे चौथी क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।